चौक पर है और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अयोध्या दुल्हन से सजकर तैयार हो चुकी है और इस बार प्राण प्रतिष्ठान में काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलने वाला है, रंगारंग के कार्यक्रम। इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं रंगारंग कार्यक्रम के। जिस तरीके से आपको बता दें कि राम और लक्ष्मण जो है वह हेलीकॉप्टर से एंट्री करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए ये पूरा चौक आपको हम दिखा रहे हैं, चौक की तस्वीरें, कहीं एलईडी, कहीं फूल, कहीं अलग अलग, देखिए अलग अलग, कहीं मार्बल्स का काम किया गया है। डेकोरेशन में कोई भी कमी अयोध्या में देखने को नहीं मिल रही है और इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है और खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस बार के दीपोत्सव को जो है वो एक अलग तरीके से मनाने की कोशिश की गई है, भारत की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। पिछले 8 सालों से दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठान के बाद रामलला अपने घर में वापस आ गए हैं और इस बार रामलला की दिवाली है, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से ये युग त्रेता युग जिस तरीके से है, इस त्रेता युग में रामलला खुद जो है वो अपने दर्शकों को, अपने श्रद्धालुओं को बुला रहे हैं, अपने चाहने वालों को बुला रहे हैं और यहाँ पर अपने भव्य दीपोत्सव में शामिल कर रहे हैं। तो देखिए ये अयोध्या है, ये रामलला की अयोध्या है और अयोध्या का दृश्य आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भव्य तरीके से दीपों से सजावट की गई है। सिर्फ दीप ही नहीं तो यहाँ पर मार्बल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, कहीं लाइटिंग का, कहीं फूलों का, तो अलग अलग तरीके से सजावट की गई है। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि ये जो तेल के डब्बे हैं, ये तेलों के डब्बे भी रखे गए हैं, दिए बिछकर तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ इंतज़ार है शाम का कि दीप कब जो है ये जलेगा और कब जो है दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। बातियां डालने के भी काम शुरू हो चुके हैं, ये तेल में भिगोई हुई बातियां हैं और ये तेल के कंटेनर्स जो हैं, ये बॉक्स रखे हुए हैं, इसमें तेल के बॉटल्स हैं। कुछ वॉलंटियर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से आप लोग यहाँ पर हैं। हम लोग को 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए जी। हर बार आते हैं? नहीं, ये फर्स्ट ईयर हम लोग का है जी। कहाँ से आए? हम लोग अयोध्या से आए। अयोध्या से आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। प्राण प्रतिष्ठान के बाद पहला दीप उत्सव जी, मैं बहुत उत्साहित हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये राम की पैड़ी की तस्वीर है और ये सजावट जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो 30,000 वॉलंटियर्स की मेहनत है और ये मेहनत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और बता दें आपको कि ये जितना सुंदर तरीके से सजाया गया है, ये रात होते ही यानी शाम होते ही जब दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा तो ये बेहद खूबसूरत दिखने को मिलेगा क्योंकि जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दीपोत्सव की धूम तो है ही है लेकिन इसके साथ ही साथ जो जगमगाती लाइट्स रहेंगी वो भी काफ़ी अलग देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स 3-4 दिन से आए हुए हैं और यहाँ पे दीप बिछाने के, दिए बिछाने के जो काम थे वो शुरू किए जा चुके थे। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ठीक देखिए सामने स्टेज बना हुआ है जहाँ पर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से संबोधित करेंगे लोगों को। यहाँ पर जो है वो तमाम रंगारंग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग देशों से, सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश से या फिर हमारे भारत देश से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से, 6 देशों से जो है और भी लोग आने वाले हैं जो कि अपना रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही साथ तमाम बड़े कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं, यानी लेज़र शो होने वाला है, लाइटिंग और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ और वॉलंटियर्स हैं, उससे पहले इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस बार का दीपोत्सव कितना खास, किस तरीके से मना रहे हैं और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, लोग कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठान के बाद पहला दीपोत्सव है। अयोध्या ही नहीं पूरे देश में एक अलग उत्साह, एक अलग धूम देखने को मिल रही है। जी जी, बहुत उत्साह है। इस बार का रिकॉर्ड, हर बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार 25 लाख दियों से तोड़ा जाएगा और कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे मुख्य दीपोत्सव इस बार का हुआ है, तो इस बार की तैयारी पहले से भी जोरदार और धमाकेदार रहेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ रही है। 25 लाख दीयों का टारगेट दिया गया है और काफी आप वॉलंटियर्स की काफी मेहनत भी रही है। कैसे इस बार जो टारगेट बनाया गया था 28 लाख 50 दीयों का बनाया गया था और मानक से हमेशा जो है अधिक दिए लाए जाते हैं। लगभग 35 लाख दिए आए हुए थे, कुछ दिए टूट जाते हैं और जिसके वजह से जो है अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, टोटल दियों की गणना हो चुकी है और ये पता लगा है कि लगभग 28 लाख दिए जो है सजाए जा चुके हैं। रात में दीप प्रज्वलन होने के बाद ड्रोन के माध्यम से इसका वीडियोग्राफी किया जाएगा और AI से ये पता किया जाएगा कि लगभग कितने दिए जले हुए हैं। 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद ही दीपोत्सव का प्रथम बार जो है यहाँ पे शुभारंभ हुआ था और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है प्रथम बार दीपोत्सव जो है अयोध्या मना रही है। रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाले हैं तमाम सारे और एक अलग धूम देखने को मिल रही है, चाहे वो देखिए सजावट की बात कर ली जाए या फिर तमाम अलग अलग जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं रामलला के इस दीपोत्सव में हिस्सा लेने आए हैं, एक अलग माहौल देखने को मिलता है दीपोत्सव में। लेकिन इस बार का अगर दीपोत्सव देखा जाए तो काफ़ी अलग, CM का संबोधन होगा, इसके बाद तमाम सारे विदेशों से कलाकार आएंगे अपनी प्रस्तुति देने के लिए। जी लगभग 5 देश से जो है विभिन्न विभिन्न देशों से 5 देशों से अपने कलाकार आ रहे हैं जो कि यहाँ पे रामलीला का जो है एक नाट्य रूपांतरण करेंगे जिससे पूरे देश ही नहीं अपितु विदेश में जो है भारत की ख्याति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद रहा है। 2017 से लेकर के 2024 तक मैं लगातार इस दीपोत्सव का हिस्सा रहा हूँ। मतलब हर बार, चूंकि आप बता रहे हैं कि हर बार आप सजावट और इस दीपोत्सव का हिस्सा रहते हैं, तो इस बार क्या क्या अलग देखने को मिल रहा है आपके हिसाब से? क्या कुछ इस बार का ये विशेष देखने को मिल रहा है कि हर बार की तरह इस बार जो है साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर वो किए गए हैं और टीम में काम हो रहा है। इससे पहले जो है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ जाती थी जो कि इस बार जो है लोगों ने मिल करके दूर किया है। पर भी बैठे हुए हैं कुछ वॉलेंटियर्स, क्योंकि यहाँ पर वॉलेंटियर्स की मेहनत इन दीपोत्सव में बहुत ज़्यादा होती है। 30,000 वॉलेंटियर आप लोग लगातार 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, दिए बिछाए, आज 4 दिन से ही लगे हुए हैं, दिए बिछा चुके हैं, बाती डाल रहे हैं, तेल भी पड़ना है। जी जी, अब इसके बाद तेल का कार्यक्रम शुरू होगा, अनाउंसमेंट होगा तो तेल हम लोग डाला जाएगा। फिर कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन प्रसन्न है। अभी योगी महाराज भी आए, बाबा जी आए हमारे, अभी कार्यक्रम चलेगा मुख्यमंत्री जी का, मान लीजिए शाम को प्रोग्राम भी है तो आनंद लिया जाएगा। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से, देखिए बाबा के नगरी के हैं ये और गोरखपुर वाले हैं, तो तमाम सारे वॉलेंटियर्स और देखिए पेंटिंग का काम भी यहाँ पर किया गया है। आपको आगे ले चल के भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो दिए में बाती है वो तो डाली जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर पेंट करके जो है दियों से डिज़ाइन बनाया गया है और ये यहाँ पर तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। जिस तरीके से दीपोत्सव का आज पर्व है, दिवाली का पर्व है, जिसे लाइट और जो है पटाखे मिठाइयों का त्यौहार कहा जाता है और रामलला की नगरी में अयोध्या में इस बार बेहद खास तरीके से मनाया जा रहा है, बेहद अद्भुत तरीके से मनाया जा रहा है ये भव्य दीपोत्सव का पर्व जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ TV24 नेटवर्क से अयोध्या से आकांक्षा सिंह।